इस वेबिनार के लिए मैं माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करता हूं। प्रणाम। प्रणाम। सम्माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, आदरणीय राज्यपाल महाराष्ट्र और गोवा, नीति के व्यास मंच के अध्यक्ष प्रोफेसर संजय धांडे जी, सम्माननीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी, प्रेसिडेंट आईसीसीआर एंड चेयरमैन स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन एंड प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे, फॉर्मर प्रिंसिपल बीएमसीसी कॉलेज एंड ऑल्सो फॉर्मर मेंबर नैक कमेटी। We all know that this probably is the biggest reform that the independent India has seen, and it is going to impact positively and favorably almost every single family in this country. Chahe wo sa vidyaya vimuktaye ho ya fir vasudeva kutumbakam ki apni kalpana ho, humne sadaiva yeh socha hai ki har ek vyakti, har ek छात्र जो अपनी पढ़ाई करने के लिए स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक एक सिस्टम में आता है, उसकी एक व्यक्ति के रूप में प्रगति हो। आवाज जा रही है? नहीं दे रहा। अभी ठीक आ रही है? ठीक आ रही। मैं इसमें ज्यादा समय न लेते हुए मैं विनती करूंगा, आई वुड नाउ रिक्वेस्ट द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ऑफ नीति प्रोफेसर संजय धांडे, हु वाज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ आईआईटी कानपुर एंड आल्सो द वेलकम एड्रेस। ओवर टू यू प्रोफेसर धांडे सर। धन्यवाद। धन्यवाद कुलकर्णी जी। महाराष्ट्र और गोवा राज्य के राज्यपाल महामहिम श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, संसद सदस्य एवं शिक्षा संसदीय शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्रीमान विनय सहस्त्रबुद्धे जी, बृहन महाराष्ट्र कॉमर्स कॉलेज पुणे के निवृत्त प्राचार्य प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे जी, आज इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी सदस्य, संस्था के नियामक परिषद के सदस्य श्रीमान अतुल कुलकर्णी जी एवं इस संस्था के निदेशक प्रोफेसर मनोज तिवारी जी, आज संस्था की तरफ से और मेरी तरफ से मैं संजय गोविंद धांडे आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय औद्योगिकी इंजीनियरिंग संस्था अर्थात जिसको नीति के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार की एक अग्रणी संस्था है। भारत की नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए नीति पूरी तरह समर्पित है। अपने पदव्युत्तर पाठ्यक्रमों के अलावा विविध प्रकार के प्रबंधन विकास कार्यक्रमों, इकाई आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से नीति ने भारत की शिक्षा व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाई है। देश विदेश में काफी कंपनियां और उद्योग को इसका लाभ मिल रहा है। नीति के हजारों विद्यार्थी न सिर्फ इस विश्व में कोने कोने में शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि अनेक कंपनियों के मालिक भी बने हैं। भारत सरकार ने हाल ही में जब चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया, तब हमारे नीति के विद्यार्थियों ने उनके समतुल्य चार भारतीय ऐप बनाने में सफलता हासिल की है। नीति भारतीय संस्कृति, परंपरा, चरित्र निर्माण एवं मानव मूल्यों के प्रति भी पूरी तरह समर्पित है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से नीति देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने के अहम भूमिका निभा रहा है। समाज के जरूरतमंद लोगों को समय समय पर सहायता पहुंचाने का काम कर रहा है। कोरोना पीड़ितों के लिए 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की टीम की मदद के लिए भी अपना हाथ हमारे संस्था ने बढ़ाया है। इसके साथ ही
नीति ने मुंबई महानगर पालिका एवं एनजीओ के साथ मिलकर एस वार्ड के कंटेनमेंट जोन में कोरोना से बचाव के लिए अपनी भूमिका निभाई है। उसी प्रकार उन्नत भारत अभियान के तहत ठाणे जिला के मुरवाड़ गोद गांव को गोद लिया है और वहां के जरूरतमंदों को राहत सामग्री पहुंचाई है। संस्थान अपनी उच्च शिक्षा व्यवस्था के तहत भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के प्रति पूरी समर्पित है। हम न सिर्फ विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर उनके करियर और चरित्र का निर्माण करते हैं, बल्कि उन्हें अपना व्यवसाय और उद्योग प्रारंभ करने में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज की संगोष्ठी का जो विषय है उसमें मैं दो शब्द रखना चाहता हूं कि मूल्यों का जो अधिष्ठान है उसके लिए घर, पाठशाला एवं घर के आसपास का सामाजिक वातावरण हमारे मूल्यों को बनाता है। आज घर के सामाजिक संस्था बदल गई है, घर या जो सामाजिक संस्था है बहुत बदल रही है। पाठशालाओं का बाजारी रूप बनकर मूल्यों का और खासकर भारतीय मूल्यों का पतन हो रहा है। घर के आसपास का मोहल्ला गायब होकर अब कॉलोनी, सोसाइटी एवं बिल्डिंग में लोग रहने लगे हैं, जहां मूल्यों का मतलब ही बदल गया है। और तो और आज मोबाइल मॉल्स और मोबाइल का नया समीकरण, जिसको मैं 3M कहता हूं, विद्यार्थियों के सामने रखा गया है। इस वातावरण में हमें शिक्षा नीति में भारतीय मूल्यों को महत्व देना जरूरी है। इस दिशा में संस्था के प्राध्यापक और सेवक वर्ग को प्रथम भारतीय मूल्यों की शिक्षा देना जरूरी है। बस एक पेपर या कोर्स करके कोई वैल्यू एजुकेशन नहीं करता। इसके लिए नीति में सुधार एवं शिक्षा संस्थान के वातावरण और माहौल को बदलने की आवश्यकता है। कृष्णा और सुदामा के कहानी पर मेरे मित्र श्री प्रकाश खरवड़कर जी द्वारा बनाई गई 30 मिनट की फिल्म बहुत सराहनीय एवं उपयुक्त होगी इस विषय में। आज भारत सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया गया है। ऐसे मिशन को गति देने के लिए शिक्षा संस्थाओं का बहुत बहुत महत्वपूर्ण संवाद होना जरूरी है। नीति जैसी संस्था अग्रणी बन सकती है। पूरे विश्व में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए एकमात्र, पूरे विश्व में एकमात्र अगर कोई संस्था है तो उसका श्रेय भारत सरकार को जाता है। आज नीति बना के 50 साल पहले भारत सरकार ने ये नींव डाली गई है। आज इस संस्था को एक कानूनन स्वायत्तता देने की जरूरत है। जैसे कि भारत सरकार ने IIT, IIM, NIT, IIIT संस्थाओं को कानूनन स्वायत्तता दी है, वैसे ही नीति को कानून बना के स्वायत्त बनाने की जरूरत है। इसमें यह संस्था राष्ट्रीय स्तर पर अपना दायित्व भी निभाएगी और विद्यार्थियों को डिग्रियां देंगी, डिप्लोमा नहीं देंगी। आज फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एवं इस कार्य में आगे ले जाने की विनती श्री कुलकर्णी जी को करता हूं। आप जानते हैं महाराष्ट्र में कोई कार्यक्रम होता है तो उसके लिए 3 लोग लगते हैं, जोशी, कुलकर्णी और देशपांडे। तो कुलकर्णी और देशपांडे तो हो गए हैं और जोशी के बदले में हम लोगों ने सहस्रबुद्ध जी को बुलाया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आज का समारंभ जो है ये तीनों महानुभाव से आगे बढ़ाने के लिए कुलकर्णी जी को विनती करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद प्रोफेसर दांडे सर, सम्मान्य अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन में पिछले 4 साल में मैंने देखा है नीति की स्थिति को हमने कैसे उसमें बदलाव किया है और इन सारी विषयों को जिसका आपने जिक्र किया उसको हमने कैसे वहाँ इम्प्लीमेंट किया है। अब इसके बाद मैं विनती करने वाला हूँ बीज भाषण के लिए सम्मान्य डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी को। विनय जी न केवल शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं बल्कि अपने देश की जो एक इंस्टीट्यूशन है अंतरराष्ट्रीय संबंध परिषद,
इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस उसके भी अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसीआर, और हाल ही में सम्माननीय विनय जी को स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, अब एजुकेशन हो गया है शायद मेरे ख्याल से विनय जी, एचआरडी नहीं है अभी ना, तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन के भी वो अभी चेयरमैन बने हैं। तो मुझे लगता है कि इतने लंबे वर्षों का मुंबई विश्वविद्यालय में सीनेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का उनका अनुभव, और अब एक दृष्टि से पॉलिसी मेकर का उनका ये जो अभ्यास है उसका लाभ हमें शिक्षा क्षेत्र में जरूर मिलेगा। मैं विनती करता हूँ विनय जी को अपना बीज भाषण रखें। जरा ढोंडे जी को कहिए कि वो माइक बंद करते हैं, जो उनका माइक शायद चल रहा होगा, और आप भी अपना बंद कर दीजिए तो वही एक ही माइक चलेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल, आवाज इको नहीं होगी। अनिरुद्ध देशपांडे जी का चल रहा है शायद। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल कुलकर्णी जी, हमारे मध्य में उपस्थित महाराष्ट्र और गोवा के माननीय राज्यपाल महामहिम श्री कोश्यारी जी, हमारे मध्य में उपस्थित इस नीति संस्थान के अध्यक्ष और शिक्षाविद श्री संजय धांडे जी, हमारे मित्र श्री अतुल कुलकर्णी जी, इस संस्था के निदेशक श्री मनोज तिवारी जी, देश के एक ज्येष्ठ शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता निवर्तमान प्राचार्य माननीय प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे जी, जो बहुत सारे महानुभाव इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो सारे मान्यवर और उपस्थित भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की है वो मैं मानता हूं कि एक मील का पत्थर है। देश के शिक्षा जगत के इतिहास में ऐसा नहीं कि पहली बार शिक्षा नीति आई है। 1986 में श्री राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व के कार्यकाल में भी एक शिक्षा नीति आई थी, उसके पहले 1968 में भी एक शिक्षा नीति का प्रारूप आया था, और इस देश में शिक्षा कैसी होनी चाहिए इस संदर्भ में जिनके जन्मदिवस को हम शिक्षक दिन के रूप में मनाते हैं, ऐसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन समेत कई शिक्षाविदों ने समितियों के प्रमुख के नाते अपने रिपोर्ट भी दिए हैं। कोठारी कमीशन को हम जानते हैं, राममूर्ति कमीशन की चर्चा हमने सुनी है, और अब विगत 6 सालों में डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई उसने बहुत परिश्रम करते हुए सभी लोगों से वार्तालाप और विमर्श करते हुए, यहाँ तक कि देश के विभिन्न ग्रामों के सरपंचों से वार्तालाप करते हुए, सभी का विचार लेकर बहुत ही जनतांत्रिक तरीके से इस शिक्षा नीति को प्रस्तुत किया है। ये शिक्षा नीति और उसके अंदर जिन बातों की चर्चा की है और जो आगे का पथ प्रदर्शन इस शिक्षा नीति के प्रारूप के माध्यम से मिलता है, उसे मैं एक कहूंगा कि 1835 में लगभग 200 दशक पूर्व लॉर्ड मैकॉले ने मिनट्स में भारत की शिक्षा नीति के बारे में जो विवेचना की थी, मैं अगर ये कहूं कि लगभग उसी की पकड़ और मैकॉले के विचारों की जखड़ हमारे शिक्षा नीति पर दशकों तक रही, यूं कहें तो शतकों तक रही, और नई शिक्षा नीति मैकॉले की पकड़ से, उनकी मानसिकता की जखड़ से इस देश को मुक्त करने वाला दस्तावेज है। और इस दृष्टि से मैं कहूंगा कि शिक्षा नीति एक ऐतिहासिक शिक्षा नीति है। शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा से शिक्षा नीति का प्रारंभ होता है, और मैकॉले ने बहुत स्पष्टता से कहा था, कहीं झिझक नहीं थी, कहीं अपने मूल उद्देश्यों को ढकने की कोशिश नहीं थी। उन्होंने ये कहा था कि हमें ऐसा कर्मचारी वर्ग तैयार करना है जो होगा तो भारतीय मगर उसकी सोच पूरे तरीके से ब्रिटिश सोच होगी। जो हम चाहते थे कि स्वाधीनता के तुरंत पश्चात लोकमान्य तिलक जी का राष्ट्रीय शिक्षा का विचार, महात्मा गांधी का बुनियादी शिक्षा का विचार,
इनके आलोक में हमें एक ऐसी शिक्षा नीति मिले जो 100% भारतीय है। मगर दुर्भाग्यवश कोशिशें हुई मगर ये परिवर्तन नहीं हो पाया और इसके कारण मैकॉली की छाया एक दृष्टि से हमारे शिक्षा विषयक नीतियों पर हमेशा रहती आई। आज जब मैं देखता हूं कि 1986 में जब श्री राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने जो शिक्षा नीति लाई थी अगर उसके ऊपर हम कटाक्ष डालते हैं तो उसमें उसके उद्देश्यों के बारे में जो बहुत संक्षिप्त में कहा गया है जिसमें एक शब्द एक वाक्य है जो कहता है कि एजुकेशन डेवलप्स मैन पावर फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो द सबस्ट्रेट ऑन विच रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्लरिश बींग द अल्टीमेट गारंटी ऑफ नेशनल सेल्फ रिलायंस। और अंत में कहा है इन सम एजुकेशन इज अ यूनिक इन्वेस्टमेंट इन प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, दिस कार्डिनल प्रिंसिपल इज द की टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। उस समय उसको एनपीई कहा गया था, आज हम एनईपी कहते हैं। मगर ये केवल आद्याक्षरों का परिवर्तन नहीं है, ये सोच का परिवर्तन है। आपको याद होगा कि उसी जमाने में श्री पी वी नरसिंह राव हमारे देश के पहले मानव संसाधन विकास मंत्री बने। ये जो शिक्षा से मानव संसाधन की ओर जो हमारी मार्गक्रमणा रही उसके पीछे ये सोच थी कि हमें कौन बनाने हैं, तो हमें मानव संसाधन को निर्माण करना है। मानव संसाधन निर्माण करना जरूरी है, उसकी इस बात की कोई अनदेखी नहीं कर सकता। मगर शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं हो सकता, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के उन्नयन का होता है, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की विचार व्यूह की व्यापकता को विकसित करना होता है, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के जीवन मूल्यों को मनुष्य की मानसिकता को जीवन मूल्यों के साथ जोड़ने का होता है। और अगर हम नई शिक्षा नीति की ओर कटाक्ष डालते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो भारतीय चिंतन है इसका पूरा और उसकी पूरी परछाई, उसका रिफ्लेक्शन हमारे शिक्षा नीति के पन्नों पन्नों पर हमें मिलता है। और उस दृष्टि से मैं कहूंगा कि ये शिक्षा नीति डीमैकॉलाइजेशन का, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के डीमैकॉलाइजेशन का एक दस्तावेज है और उस रूप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये कह रहा हूं इसका कारण यह है कि पुरानी सारी शिक्षा नीतियों में हमारे देश की मानसिकता के साथ जो खिलवाड़ की उसकी ओर ध्यान आकर्षण करना बहुत जरूरी है। और इसमें मैं केवल देश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों की चर्चा नहीं करूंगा, वो तो है, मगर विल ड्यूरांट जैसे बहुत ही जाने माने और विश्वविख्यात विचारक और चिंतक ने 1930 में कहा था, The British conquest of India was the invasion and destruction of high civilization by a trading company utterly without scruple or principle, careless of art and greedy of gain, overrunning with fire and sword a country temporarily disordered and helpless, bribing and murdering, annexing and stealing, and beginning that career of illegal and legal plunder which has now gone on ruthlessly for 173 years. 1930 mein ye likhte hai. England has year by year been bleeding India to the point of death. The British ownership of India has been a calamity and a crime. The present plunder has now gone on beyond bearing. Year by year, it is destroying one of the greatest and gentlest people of history. ये हम नहीं कह रहे, ये विल ड्यूरांट महोदय कह रहे हैं। तो ये जो हमारे ऊपर निरंतर आघात होते गए, इन आघातों के कारण हमारी मानसिकता भी एक दृष्टि से पराभूत मानसिकता हो गई और इस मानसिकता से लोगों को बाहर निकालना बहुत जरूरी था। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि ये जो नया शिक्षा नीति का प्रारूप है उसके अंदर बहुत स्पष्टता से कहा गया है कि शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में कि दिस education policy will serve the cause of rootedness and pride in India and its rich, diverse, ancient and modern culture and knowledge systems and traditions. मैं मानता हूं कि इतनी प्रखरता से इन बातों को जितनी बेबाकी से कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि हम मैकॉले को पीछे छोड़कर कहीं आगे निकल जाने की पूरी
और सिद्धता इस शिक्षा नीति के माध्यम से हुई है। इसी के साथ साथ एक भारतीय शिक्षा मूल्य है, वो है शिक्षक और छात्र के संबंधों के बारे में। हम देखते हैं कि भारतीय शिक्षा नीति की जो आधारशिला है वो हमारा भारतीय शिक्षा चिंतन है, आवर फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। एंड इन आवर फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, इफ देयर इज वन सिंगल पॉइंट व्हिच इन अ वे डिस्टिंग्विशेस द इंडियन एजुकेशनल थॉट, इट इज द एम्फसिस ऑन टीचर एंड टॉट रिलेशनशिप। इफ ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रामायण एंड महाभारत, राम एंड कृष्ण, और इवन राम लक्ष्मण कृष्ण एंड बलराम वेर सेंट बाय देयर पेरेंट्स टू द आश्रम्स ऑफ सांदीपनि और वशिष्ठ, इट वॉज नॉट बिकॉज देर वॉज नो रूम इन देयर पैलेसेस। वो इसलिए तो नहीं गए ना कि कोई जगह की कमी थी, वो गुरु के घर इसलिए गए कि गुरु के आचरण के माध्यम से शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो पाए। और हमारे यहाँ ये कहा गया है, तक्षशिला नालंदा के वर्णन जब हम देखते हैं तब उसमें ये उल्लिखित है कि एक पाठक, एक शिक्षक और उसके इर्द गिर्द 10-15 व्यक्तियों का, छात्रों का समूह, इस पद्धति से ज्ञान दान और ज्ञान ग्रहण चलता था। और इसलिए शिक्षक की केंद्रवर्ती भूमिका मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण है। और उस दृष्टि से देखूं तो ये पूरी शिक्षा नीति शिक्षकाधिष्ठित और विद्यार्थी केंद्रित है, ये इसकी दूसरी विशेषता भारतीय मूल्यों के बारे में मेरे जैसे छात्र के ध्यान में आती है। मैं शिक्षकाधिष्ठित इसलिए कह रहा हूं कि पहली बार इस शिक्षा नीति में शिक्षकों को जो अध्यापनेतर कार्य करने पड़ते हैं मजबूरन, चाहे जनगणना का काम हो, चाहे चुनाव का काम हो, इन कामों से मुक्ति दिलाने की बात का स्पष्टता से उल्लेख किया गया है। अध्यापक का काम अध्यापन होता है। हाँ, देश की जो सामाजिक स्थिति होती है, कई बार कुछ काम करने पड़ते हैं, वो बात अलग है, मगर वो आपद धर्म है, वो धर्म नहीं बन सकता। और इस बात को मैं मानता हूं कि इस शिक्षा नीति के संदर्भ में जो भी प्रारूप हमारे सम्मुख आया है, इसमें आग्रह से कहा जाना इस बात की ओर इंगित करता है कि शिक्षक की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिसके चलते छात्र और शिक्षक संबंध, टीचर एंड टॉट रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छी आगे चलकर हमारी मार्गक्रमणा होगी। इसकी पूरी संभावना मैं मानता हूं कि इस के संदर्भ में उजागर होती है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अंत्योदय का हमारा विचार है, जो पूज्य महात्मा गांधी जी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम सबको बताया कि द मोस्ट डिप्राइव्ड शुड बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट डिजर्व्ड एंड शुड बी गिवन प्रायोरिटी, ही शुड बी गिवन द प्रेफरेंस, द फर्स्ट प्रेफरेंस। ये एक महत्वपूर्ण विचार है। और इस विचार का भी उल्लेख है कि समाज का जो वंचित वर्ग है, सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनके शिक्षा की चिंता हम प्रधानता से करेंगे। मैं मानता हूं ये आज के सामाजिक न्याय की जो भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार आगे लेकर बड़ी गति से जा रही है, उसके संदर्भ में ये बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन इस शिक्षा नीति के दस्तावेज में हम पाते हैं। अंतिम बात, कुल मिलाकर हमारे देश के अंदर जो विविधता है, उस विविधता को और हमारी जो स्थानीयता है, आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि बी वोकल अबाउट द लोकल एंड द लोकल हैज टू बी टेकन टू द ग्लोबल, तो ये सब होना है तो हमारी जो स्थानीयता है, लोकैलिटी, लोकलनेस है हमारी पूरी संस्कृति के विभिन्न आयामों का, उसको महत्व देते हुए, इस विविधता को समझते हुए, मगर विविधता के अंतर्निहित जो एकता का स्वर है, हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इनफैक्ट इट इज डाइवर्सिटी इन यूनिटी, द डाइवर्सिटी इज जस्ट द डाइवर्स मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर इनेट यूनिटी। डाइवर्सिटी का मतलब ये नहीं कि हम अलग हैं, ये एक सोच बनाई गई ब्रिटिशों के कार्यकाल में कि हम अलग हैं, और कई लोगों ने तो इस तरीके के प्रबंध लिखे कि जो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ एक अलग राष्ट्र है, छोटा नागपुर एक अलग राष्ट्र है। मैं मानता हूं इस सोच को परास्त करते हुए विविधता का निश्चित रूप में आदर करना चाहिए, मगर उसके अंदर की जो एकता है उसको बलवती करना चाहिए, ये सूत्र भी इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे सम्मुख आता है।
कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो हमारा भारतीय चिंतन है उसका एक बहुत मजबूत आधार, उसकी एक बहुत मजबूत नींव इस पूरे शिक्षा नीति को प्राप्त है, और जिसके चलते मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शिक्षा नीति क्रियान्वयन में जब आएगी तब वाकई में भारतीय शिक्षा क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन करने वाली एक उत्क्रांति की अवस्था को हम निश्चित रूप में देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, और मैं इसके बाद अभी आग्रह करूंगा, विनती करूंगा निवृत्त प्राचार्य बीएमसीसी कॉलेज पुणे के प्राध्यापक अनिरुद्ध देशपांडे सर से। देशपांडे सर हम में से कईयों के मार्गदर्शक रहे हैं, कईयों की जीवन में देशपांडे सर का एक अलग स्थान है, और मैं ये कहूं कि कॉमर्स कॉलेज में लेबोरेटरी का कॉन्सेप्ट इस देश में अगर किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो वो श्रेय प्राध्यापक अनिरुद्ध देशपांडे सर को जाता है। ऐसे आदरणीय प्राचार्य देशपांडे सर को मैं विनती करता हूं कि अपने विचार रखें। रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि परम आदरणीय राज्यपाल महोदय, इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष धांडे जी, जिनका श्रेष्ठ वक्तव्य हमने अभी सुना, सांसद डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, श्रीमान अतुल कुलकर्णी जी, डॉक्टर तिवारी जी, उनके सभी सहायक बंधु भगिनी, और जो श्रोतृवर्ग में हो ऐसे सभी मान्यवर भाइयों तथा बहनों, एक अत्यंत सुंदर विवेचन अभी हमने डॉक्टर विनय जी के द्वारा सुना है। मूल संकल्पना बहुत स्पष्ट है कि भारतीय मूल्यों का शिक्षा के नीति में ठीक तरह से समावेश होना यह शिक्षा नीति के यशस्विता का लक्षण माना जाएगा। हमारी मूलभूत संकल्पना शिक्षा की ओर देखने की, शिक्षा कोई केवल एक साधन नहीं है, शिक्षा से मनुष्य निर्माण का काम होता है, और ऐसे मनुष्य निर्माण के आधार पर ही राष्ट्र निर्माण सफल होने की आकांक्षा हम रख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत सारे विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करते करते भारतीय मूल्यों की रक्षा की जाएगी इसका एक बहुत अच्छा भान पूरे पॉलिसी में रखा है। वास्तव में नीति मूल्यों के सिवा शिक्षा तो पूरी हो ही नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद कहते थे, बहुत ही प्रसिद्ध कोट है, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य के अंतर्गत जो एक परिपूर्ण अनफोल्डमेंट का अनुभव उसमें आता है, छोटे बच्चे से लेकर एक प्रगल्भ व्यक्ति तक हमें दिखाई देता है कि मूल्यों का रक्षण वो अपने जीवन में करता है, उसकी नींव शिक्षा में रखी जाती है। हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसी बात को बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने लाया है। मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वंकष है,
सर्वंकषता का ही संदर्भ देते थे, उन्होंने कहा है कि वेल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ मैन। 1968 में जब कोठारी कमीशन ने अपना रिपोर्ट उस दिन के सरकार के पास सौंपा, तो उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि एक पूर्ण पुरुष की निर्मिति करना यह शिक्षा का उद्दिष्ट है, होल मैन डेवलपमेंट। यह शिक्षा के माध्यम से करने का विचार अभी शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे सामने आ रहा है। हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारा सनातन ज्ञान, हमारे यहाँ चलने वाले विज्ञान की परंपरा, इन सारे विषयों से हमारा मानस बनता है, मानस विकसित होता है, और उसी विकसित मानस के आधार पर समाज में मूल्यों की रक्षा करने की ताकत उत्पन्न हो जाती है। विद्यमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसके ऊपर बहुत बड़ा ध्यान दिया है। मैं छोटा चार पंक्तियों का विषय विजन आपके सामने पढ़ के दिखाता हूं। दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एम्स एट बिल्डिंग अ ग्लोबल बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। आगे के शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, रूटेड इन इंडियन इथॉस एंड अलाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसका उल्लेख माननीय विनय जी ने किया था। ये सामाजिक मूल्य वहां आते हैं। इंडियन इथॉस का मतलब ही हमारे मन में उत्पन्न होता है कि एक सांस्कृतिक परंपरा यहाँ चल रही। मैकॉले का उदाहरण विनय जी ने दिया, मैं एक ही उसी सीक्वेंस में मैक्स मूलर की बात अपने सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश की श्रेष्ठता अगर कहीं होगी तो हमारे सांस्कृतिक एकात्मता में हमारी श्रेष्ठता है। हमारे सांस्कृतिक मूल्य हमारे समाज को पूरा एकत्र रखने का काम करते हैं, और उनको ही बिगाड़ने का काम इन लोगों ने करना, जिसमें ये मैकॉले की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। मैक्स मूलर ने कहा था कि वी हैव कॉन्कर्ड दिस नेशन वंस, द नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट विल बी थ्रू कल्चर। हमने इस देश को एक बार तो जीता है, अभी आगे चलने वाली हमारी विजय जो रहेगी वो विजय उसके संस्कृति पर विजय करने की होगी। हमारी संस्कृति ने कभी इस प्रकार की विजय संपादन करने की संभावना उत्पन्न नहीं होने दी। हमारे शिक्षा का वही एक बड़ा योगदान होने के कारण द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप ह्यूमन बींग्स, उसी प्रकार का आगे का हिस्सा है, केपेबल ऑफ रैशनल थॉट एंड एक्शन, पजेसिंग कंपैशन एंड एम्पथी, करेज एंड रेजिलियंस, साइंटिफिक टेम्पर एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन विद साउंड एथिकल मूरिंग्स एंड वैल्यूज। इस प्रकार का एक दस्तावेज हमारे सामने आता है, जिसमें इस प्रकार की सारी बातें आती है कि नैतिक शिक्षा को स्थान मिलेगा, व्यक्तिमत्व विकास को स्थान मिलेगा। स्वामी विवेकानंद की ओर फिर से आने के लिए मैं उनका जो बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है वो फिर से दोहराता हूँ। उन्होंने कहा कि इट्स अ मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज एंड एनेबलिंग हिम टू स्टैंड ऑन हिज ओन फिट। स्वावलंबी के साथ साथ व्यक्तिमत्व का विकास हो, चरित्र निर्माण हो, चरित्र का वर्धन करने का काम हो, और इसलिए हमारी शिक्षा की जो मूल जड़ें हैं वो जड़ों को ध्यान में लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी है। हम बहुत बार कहते हैं कि विद्या प्राप्त करना ये तो एक लक्षण है ही, लेकिन वो विद्या जो हमें मुक्त बनाती है, सा विद्याया विमुक्तये, बहुत सारे एविल से मुक्त बनाती है, बहुत सारे दोषों से मुक्त बनाती है, ऐसी एक शिक्षा जो बिल्कुल होलिस्टिक एजुकेशन के रूप में हमारे सामने आती है, इस पॉलिसी ने उसको बड़ा स्थान हुआ हमें दिखाई देता है। इस पॉलिसी ने राष्ट्रीय विकास का मूल्य भी हमारे सामने रखा है, जैसे सामाजिक मूल्य रखे हैं। शिक्षा की उपलब्धता का विषय है, उसी प्रकार हमें दिखाई देता है कि राष्ट्रीय विकास में भी इसका काम है। 1968 के कोठारी कमीशन को मैं फिर से उद्धृत करना चाहता हूँ। वो उद्दिष्ट पूरा नहीं हो सका जिसका इतिहास विनय जी ने बताया, लेकिन 1968 में इस प्रकार की एक पॉलिसी सादर करते समय कोठारी महोदय कहते हैं प्रीएम्बल में, नाउ द डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज गोइंग टू बी शेप्ड इन द क्लासरूम्स। कक्षा कक्षा में, हमारे क्लासेस में
अब डेस्टिनी ऑफ द नेशन, पूरे हमारे राष्ट्र के भवितव्य की बात वहां की जाएगी और उसको आकार देने का काम हमारी शिक्षा करेगी। हमने शिक्षा के माध्यम से केवल शिक्षित लोगों की परंपरा उत्पन्न करने का काम हमारे सामने रखा नहीं, जो काम रखा वो राष्ट्रीय विकास का काम रखा, और इसलिए उस विकास के प्रति प्रतिबद्धता उत्पन्न करने वाली शिक्षा हमारे सामने इस नीति के माध्यम से आई है, वो शिक्षा जो एक विजडम उत्पन्न करेगी। पहले वाले सारे शिक्षा में इंफॉर्मेशन में हमने बहुत जोर दिया, अब रियलाइज होने लगा है, चर्चा होने लगी है कि इंफॉर्मेशन ही केवल एजुकेशन नहीं है, क्योंकि उससे एक जानकारी प्राप्त करने वाला युवा तैयार होता है, लेकिन समाज के प्रति आदर, समाज के लिए कुछ समर्पण करने की प्रवृत्ति करने वाला अगर उत्पन्न करना होगा तो अलग सी बातें हमारे सामने लानी होगी। और इसलिए वहां कहा जाता है, टी एस एलियट ने कहा था कि वेयर एज द नॉलेज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन एंड वेयर एज द विजडम लॉस्ट इन नॉलेज, हमने जानकारी प्राप्त की, हमने तथाकथित रूप से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन क्या प्रगल्भता आ गई जिसके एक सामाजिक दृष्टिकोण भी विकसित हो सकता है। ये सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने का काम, समाज को एकात्म रखने का काम शिक्षा की नीति से पूर्ण होगा, और इसलिए ये नई शिक्षा नीति को एक बहुत ही अच्छा स्थान हमारे सामने मिलेगा, समाज में मिलेगा, इसमें कोई हमें आशंका के लिए कोई जगह नहीं दिखती। दो ही बातें मैं और आपके सामने रखूंगा, मेरा समय उससे पूरा होगा, वो है करणीय बातें। ये सब है जिस प्रकार का एक विचार इस समिति ने हमारे सामने रखा, पॉलिसी में आया, कल उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, लेकिन ये करने के लिए मेरे मन में जो विचार आता है वो ऐसा है कि हमारे शिक्षकों को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण देने का, ट्रेनिंग करने का आवश्यक है। बहुत बार ऐसे दिखाई देता है दुर्भाग्य से कि हमारे शिक्षकों के बीच में भी हमारी सारी पूर्व परंपराओं के बारे में कोई अधिक प्रकार की जानकारी नहीं है, अधिक प्रकार का ज्ञान नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो अभारतीय है उस अभारतीय को ही अपना मानने की परंपरा उत्पन्न होने जाती है, हमें अंग्रेजी से कोई शत्रुत्व नहीं है, एज अ लैंग्वेज पढ़ना ही चाहिए। मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था विवेक देवराय का, आपने आप में से किसी लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने उसमें कहा था कि मदर टंग वर्सेस इंग्लिश इज नॉट द रियल इशू, द रियल इशू इज एमनेशिया अबाउट कल्चर, एमनेशिया अबाउट अवर रूट्स, एमनेशिया अबाउट अवर हिस्ट्री एंड एमनेशिया अबाउट अवर लैंग्वेज। ये जो एक स्मृति भ्रंशता उत्पन्न हो जाती है हमारी संस्कृति, हमारे रूट्स, हमारे भाषा, हमारी लीगसी, इसके बारे में वो शिक्षकों में भी दिखाई देती है, और शिक्षकों में अगर ये दिखाई देती है तो उसको दूर करने का काम प्रशिक्षण के माध्यम से ही करना होगा। मेरा आखिरी बिंदु इसी क्रियान्वयन के लिए है कि अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, नए लोग आएंगे, नई सिरे से विचार करेंगे, लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के एक चौकट उसके पास है। मेरा आग्रह होगा, माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ है जो शिक्षा के हमारे पालक के रूप में रहते हैं, विनय जी यहाँ है जो सांसद के रूप में काम करेंगे, कि अभी जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात आएगी तब देखिए कि अपने मूल्यों को वहाँ एक उचित स्थान मिलता है, कोर्सेस में उसका समावेश होता है, शिक्षकों के द्वारा उसको सिखाने की पद्धति विकसित होती है। अगर ये बातें हो गई तो जमीनी पर कोई एक ठीक रखी बात अस्तित्व में आएगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर धांडे जी को और अतुल जी को और डॉक्टर तिवारी को कि मुझे ये अवसर दिया और यहाँ आकर कुछ बातें शेयर करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करके हुए मैं मेरा निवेदन पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। बहुत धन्यवाद, इट्स ऑलवेज प्लेजर लिसनिंग टू यू पीडी एज वी फॉन्डली कॉल हिम। अनिरुद्ध देशपांडे सर को सुनना एक बहुत बड़े अपने आप में एक आनंद का विषय होता है। अब मैं माननीय
महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन करने से पहले मैं कुछ एक दो तीन बातें जो विनय जी और देशपांडे सर के वक्तव्य में आई मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा एक बार उद्धृत करूंगा और राज्यपाल जी से निवेदन करूंगा उसके पश्चात कि वो उस पर अपना वक्तव्य रखे। एक तो इट इज अंडरस्टूड दैट एजुकेशन इज मीन नॉट ओनली टू गिव अस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो टू बिल्ड अप अवर कैरेक्टर। वॉट इज द टाइप ऑफ एजुकेशन बाय विच वन अचीव्स अ टाइप ऑफ एक्सलेंस वेयर वन ओवरकम्स देयर लिमिटेशंस ऑफ क्रीड रेस लैंग्वेज एंड रिलीजन। और एक सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात इस शिक्षा नीति में आई है और जिसका हम सब लोग एक बेसब्री से एक दृष्टि से इंतजार कर रहे हैं वो लर्निंग टू बी रादर देन लर्निंग टू डू, जिसका जिक्र विनय जी ने भी अपने वक्तव्य में रखा। मैं महामहिम राज्यपाल जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे सम्मुख अपने विचार रखे और हमें मार्गदर्शन करे। हम सब जानते हैं कि लगभग एक वर्ष पहले 5 सितंबर को राज्यपाल जी ने महाराष्ट्र का कार्यभार संभाला और तब से लेकर हम देख रहे हैं कि कई ऐसे विषय हैं जहां पर उनकी अपनी एक इनिशिएटिव से बहुत सारे विषयों का एक से प्रारंभ महाराष्ट्र में और अभी गोवा में हो रहा है। मैं माननीय कोश्यारी जी से आदरणीय राज्यपाल जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आप हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। नीति संस्था के द्वारा आयोजित आज के इस परिसंवाद में प्रोफेसर छोटे साहब, जब मैं पहले पढ़ता था विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थिनी सुनिचय सुपाके चौ पंडिता समदर्शिना, तो मुझे लगता है कि विनय जी में वो सभी चीजें आ जाती हैं। तो ऐसे डॉक्टर विनय सहस्र बुद्धे जी, प्रोफेसर देशपांडे जी, कुलकर्णी साहब, तिवारी साहब और सभी मित्रों, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले निवेदन करता हूँ कि ये राज्यपाल के आगे से महामहिम शब्द हटा दी। महामहिम भारत में अगर कोई है तो या तो माता पिता है या गुरु है, उसके बाद कोई देवता हमारा जिसको मानते हो। इसलिए हम लोग, मैंने बार बार जहां भी मैं जाता हूँ मैं कहता हूँ पुरानी बातें हो गई, जब मकौले को छोड़ना तो फिर हिज एक्सलेंसी महामहिम इसको भी छोड़ने का अभ्यास हम डालेंगे तो अच्छा रहेगा। क्षमा करें मैं थोड़ा आगे जाके बात बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि विनय जी के बाद और देशपांडे जी के बाद इतने अच्छे विचारों को सुनने के बाद, और मैं जो टेढ़ा मेढ़ा बोलता हूँ क्योंकि पहाड़ के जंगलों में जाता रहा हूँ और रास्ते भी वहां टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो मैं आपकी तरह से कोई कर्मवार सिद्धवार एकदम विषय को जैसा किसी ऐसे सुंदर कार्यक्रम में प्रस्तुत करना चाहिए ऐसा मैं इस 10-15 मिनट में कर पाऊंगा ऐसा मैं नहीं जानता। पर क्योंकि ये विषय इतना अच्छा है और मुझे नहीं लगता कि हम कोई 10-20 मिनट में या एक दिन में इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ये जो आज का NEP बना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके छोटा सा स्वरूप मेरे पास आया है 60-65 पेजों का, तो उसमें काफी चीजें व्यापक दी गई हैं। और मुझे लगता है कि मैंने पिछले दिन राष्ट्रपति जी ने बुलाया था तो बोल रहे थे सबको 3 मिनट बोलो, तो सारे राज्यपाल तो 6 मिनट से कम कौन बोलेगा, राज्यपाल है जैसा आपने कहा कि महामहिम, तो सब महामहिम में मैं तो हूं नहीं है? तो मैंने कहा कि भाई मैं इसको 2.5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। तो मैंने उनसे एक ही कहा कि भाई आपने विचार मंथन के बाद 10 लाख 15 लाख 1.5 लाख 2 लाख फटाफट दे दी, हमारे मंत्री जी बोलते रहते हैं तो कितना कम दिया है, कि आपने बढ़िया सा ही मक्खन तो निकाल लिया है और नवनीत निकाल लिया है, पर इसको आगे इस नवनीत को अगर लंबे समय तक चलाना होगा तो इसमें से घी बनाना होगा, घी बना करके फिर इसमें से अलग अलग पदार्थ बनाने होंगे ताकि ये दीर्घजीवी हो सके। आज भी आप लोगों के मुंह से जब मैं मखौले का नाम सुनता हूं तो नाम लेना भी नहीं चाहता उसका, है ना, तो फिर अच्छा भी लगता है। इसलिए कि हम एक ऐसा इस नवनीत का
इस विचार विमर्श के बाद जो इतनी सुंदर ये चीज बनी हुई अपने आप में परिपूर्ण है, इस परिपूर्ण को हम जैसा हमारी अपनी देशपांडे जी भी कहते, गणेश जी ने भी कहा, इसको हम आखिर कार्यान्वयन कैसे करें, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। अब कोठारी आयोग में अच्छी बातें नहीं थी ऐसा नहीं है, कुछ तो आप भी लोग पढ़ रहे थे अभी बोल रहे थे, लेकिन उस समय शिक्षा नीति शिक्षा आयोग में यदि कुछ चीजें बहुत अच्छी भी आ गई तो मुझे लगता है कि अभी मेरे पास थोड़ा, मैं प्रोफेसर जे एस राजपूत की किताब में कल पढ़ा था तो उसमें से मैंने थोड़ा उदाहरण का बोलूंगा आपके सामने। उनके जमाने में एनसीईआरटी में बड़ी अच्छी किताबें बनी थी, लेकिन लागू कौन करता था, लागू सरकारी स्कूल नहीं करते थे, तब थोड़ा बहुत केंद्रीय विद्यालय में होता होगा, तो बाकी तो विद्या भारती के स्कूल करते थे, अच्छी अच्छी चीज है। तो सवाल क्या है कि तब क्या था, नीतियां भले हमारे शिक्षक अच्छे बना देते होंगे, राधाकृष्ण जैसे कोठारी जैसे विचारक अच्छे बना देते होंगे, परंतु लागू करने वाले दोज हु आर टू इम्प्लीमेंट हु आर दे, वे कौन है? अब उनको तो धर्म निरपेक्षता चाहिए। अब आप बताइए, जहां पहले ही धर्म निरपेक्षता आ जाएगी, क्या आप सोचते हैं कि इस देश के अंदर हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? वो हमारा देश है, प्राण है। बार बार विवेकानंद जी को हमारे देशपांडे जी उदाहरण दे रहे थे, और शायद उनसे सैकड़ों उदाहरण हम दे सकते हैं, हजारों भी दे सकते हैं, इतने उदाहरण उनके हमारे पास है उनकी अनुविद्यता जी के। तो वास्तव में क्या है कि हम ये इसलिए नहीं कर पाए, आज भी क्यों, एक तो अंग्रेज को याद करना पड़ता है 150 साल पुराने 200 साल पुराने को, क्योंकि हम जो अच्छी नीतियां किसी ने बनाई भी, इम्प्लीमेंटेशन करने वालों का खुद भी जो नियत थी वो साफ नहीं थी। हो सकता है नीति अच्छी बने होंगे, नीति के साथ साथ नियत भी अच्छी चाहिए। आज हमारा सौभाग्य ये है कि जो आप और हम सोचते हैं, जो इस देश का आम नागरिक सोचता है, वो इलिटरेट भी हो सकता है। मैं अंधविश्वास नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं अपनी माँ को जो कुछ आज पढ़ना लिखना नहीं जानती थी उसको मैं अपने से ज्यादा शिक्षित मानता हूं, उसके सामने मैं झूली भर भी नहीं हूं। तो इसीलिए मैं अनएजुकेटेड की बात नहीं, इलिटरेट की बात नहीं कर रहा। ऐसे जो इलिटरेट लोग हैं जिनको आप अनएजुकेटेड कहते हैं, उनके अंदर भी इतने जीवन मूल्य है जिस इथॉस की आप बात कर रहे हैं, आखिर वही इथॉस तो है, वही जीवन मूल्य तो है, जिन जीवन मूल्यों ने जिस इथॉस ने इतने हम लोगों के बाद, जरा सिकंदर के जमाने से लेकर आज तक लगाइए, कितने अलेक्जेंडर के जमाने से आज तक, एंड स्टिल वी सर्वाइव, शान से जीते हैं। और अब तो जब से प्रधानमंत्री मोदी आ गया, आप सब भी सीना तान के बोलते हो, हमारा विरोधी आपका होगा कोई तो वो भी सीना तान के बोलता, हाँ भारतीय है। तो एक प्रकार से ये जो ताकत है, ये ताकत वास्तव में हम जब जीवन मूल्यों की बात करें, इथॉस की बात करें, तो मैं तो सोचता अपनी अल्प बुद्धि से कि सचमुच ये हमारे जो जीवन में, विवेकानंद जी ने कहा है कि जरा हमारे इंग्लैंड से कह दो कि हम तुम्हारी व्यावसायिकता खत्म करते हैं, बेसिकली कॉमर्शियल पर्सन बिजनेसमैन, बोले खत्म हो जाएंगे, कहेंगे नहीं जीता मानी और सब करो, हम ये खत्म मत करो। बोले अमेरिका से कह दो तुम्हारी फ्रीडम खत्म कर देते हैं, बोले नहीं तुम और सब कर लो, तुम ऐसा ले जाओ वैसा ले जाओ, पर नो फ्रीडम एट ऑल। बोले अगर हमारे भारत में बोलोगे कि भाई नहीं नहीं तुम्हारे धर्म को हम ले लेते हैं, बोले खड़े हो जाएंगे, मरते मिटने के तैयार हो जाएंगे। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो एक प्रकार से जब मैं कल जे एस राजपूत ने मुझे किताब भेजी तो मैं उनकी किताब पढ़ा था, अरे हाउ प्लीजिंग इट, कितना अच्छा है कि उन्होंने गांधी जी का, गांधी जी पर ही पुस्तक है, बहुत छोटी सी पुस्तक है, तो उन्होंने गांधी जी को उदाहरण दिया है और उन्होंने उसमें बाहर से लिखा भी कहीं कहीं, इसको आप कोट कर सकते हैं, इसलिए बिना उनकी पूछे मैं आपको कोट कर रहा हूं। गांधी जी का महात्मा गांधी गुजराती नवजीवन 21/9/1919 यानी आज से 101 साल पहले का, कि गांधी जी का गुजराती में लिखा नवजीवन है, उसका हिंदी अनुवाद उन्होंने दिया है, और आप हमारे जैसे लोगों के लिए शायद ये अच्छा होगा। मैं इसलिए गांधी जी को पढ़ा, मैं उनको काफी मानता भी।
जीवन का विकास करते हुए उसे हेडिंग दिया है, बोले जब तक देश में सच्चरित्र शिक्षकों द्वारा विद्यादान नहीं होता और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती कि गरीब से गरीब भारतीय को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके, जब तक शिक्षा और धर्म का संपूर्ण समन्वय नहीं हो पाता, जब तक शिक्षा भारत की परिस्थिति के अनुरूप नहीं दी जाती और जब तक बालकों और युवकों के मन पर विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा देकर जो असह्य बोल डाला जाता है उसे दूर नहीं किया जाता, तब तक राष्ट्रीय जीवन का विकास नहीं हो सकता। यह एक ऐसा सत्य है जिसमें संदेह नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। शुद्ध राष्ट्रीय शिक्षा नहीं, शिक्षा तो प्रत्येक प्रांत की अपनी भाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। शिक्षक उच्च कोटि के होने चाहिए, पाठशाला ऐसी जगह होनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को स्वच्छ हवा और पानी प्राप्त हो, शांति मिले, जहां मकान का आसपास की भूमि आरोग्य का पदार्थ पाठ पढ़ाती हो, और शिक्षण पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसमें भारत के मुख्य धंधों और मुख्य धर्मों का ज्ञान प्राप्त हो सके। मैं नहीं सोचता कि मेरे पास इसको पढ़ने के बाद और बहुत सारी बात बच जाती है, यानी सूत्र रूप में दुनिया में बात सोचता कि क्यों गांधी को इतना लोग जानते हैं, क्यों इतना उनका आदर करते हैं। एक प्रकार से संपूर्ण हमारी जो आज की शिक्षा नीति बनी है वो शिक्षा नीति का एक तो ऐसा लगता है कि ये सार संक्षेप है कि गांधी जी शायद पहले जानते थे कि उनके गुजरात में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा पैदा हुआ इस देश के अंदर कि वो उनकी नीति को बिना जाने भी और बिना पढ़े भी उस किताब को वो उसी नीति को लागू करेगा। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये इस नीति लागू हुई है, और मैं इसलिए मूल रूप से कहूंगा क्योंकि विषय मेरे का लंबा है और मेरे जैसे आदमी को जिसको इन विषयों के अलावा कोई और आता भी नहीं है, ये तो हमारे सहस्र बुद्धे जी तो सहस्र बुद्धे, तो इनकी बुद्धि तो कहा सहस्रों काम में जाती है तो देश पांडे जी पूरे देश के पांडे हैं। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि हम सब लोग जो आज मूल रूप से, मैं कभी मॉरल शिक्षा पर आप कोई और ज्यादा बोलना हो तो भी हम बोलेंगे, लेकिन अभी क्योंकि समय इतना संक्षिप्त है कि उसी में समाप्त भी करना है, और मैं ये चाहूंगा कि हम सब लोग जो भी शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं वो एक प्रकार से जो हमारी भारत की जो मॉरल शिक्षा है वो इतनी हमारी जो जो नैतिक शिक्षा है यानी वो इतनी विशाल है, वो शुरू होती है ओम जब शांति अंतरिक्ष जो शांति, शांति से शुरू होती है, लेकिन शांति ही एक नहीं बोलती है तो कहते वीर भोग्या वसुंधरा, वसुंधरा जो ये वीर भोग्या है व्यक्ति के अंदर एक बार एक और शांति, एक और गांधी और बुद्ध की शांति, तो दूसरी ओर राम और कृष्ण का अर्जुन का पराक्रम, ये वो हमको माने व्हाट ए फाइन कॉम्बिनेशन, दो गुणों का कितना सुंदर ये समन्वय है। ये वास्तव में ये भारतीय चिंतन का ऐसा लगता है, आप अगर कुलकर्णी जी सोते जाएंगे तो आप इसको समझते जाएंगे सोचते जाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरा कुल तो धन्य हो गया, ऐसे में लग जाएगा है? क्योंकि इतना सुंदर ऐसा विशाल चिंतन है, कैसा समग्रता का है। एक और हम लोग कहते कि हम लोग अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, एक और हम ये बोलते हैं कि मदर मदर टंग मदरलैंड एंड मदर गॉडेस, ये बोलते हैं। दूसरी ओर हम कहते हैं कि भाई आलो कर्तव्यो यंतु विश्वतः, आलो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वतः, ये सारी अच्छी ज्ञान हमको दुनिया भर से हमारे पास आए, हम कुछ संकीर्ण नहीं है, एक कोई ग्रंथ पकड़ लिया किताब पकड़ लिया और उसके सारे हम चले कि यही सब कुछ है, ये नहीं है तो क्या है जो बोला जाता नहीं बोलोगा। तो ऐसी चीजें हमारे इस देश को जीवित रखने के नहीं बल्कि शान से जीवित रखने के लिए, ये ऐसी हमारे पास एक प्रकार की अमूल्य निधि हमारी है, इसलिए हम कैसे इस निधि का और ऊपर लाए। ये जो समुद्र के अंदर, ये जो धरती के अंदर मणि बैठे हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, इनको हम कैसे ऊपर लाए। अभी आप वो बता रहे थे ना पांडे जी की ये मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, तो हम कैसे इसको ऊपर ला सके।
मैं सोचता हूं कि शायद अपार्ट फ्रॉम जो हमारे सरकारी अधिकारी कर रहे हैं, सरकार कर रही है, उसके साथ साथ संभवतया हमारे जो समाज के चिंतक लोग हैं, विचारक लोग हैं, गांधी जी कभी सरकार में नहीं थे पर आज उनके विचार सर्वत्र चलते हैं, ऐसे जो समाज के चिंतक है जिन्होंने समाज का चिंतन किया है, ऐसे समाज के चिंतन चिंतकों को उनके विचारों को पढ़ते हुए गढ़ते हुए यदि हम आगे चलेंगे तो मैं सोचता हूँ कि जो हमारा एक प्रकार का जो चिंतन है, जो मनन है, मैन मेकिंग, अभी पांडे देशपांडे साहब बोल रहे थे दैट मैन मेकिंग जिसको विवेकानंद जी कहते थे, यानी जिसने विवेकानंद को पढ़ा होगा उसने पढ़ा होगा उनको कि इतनी दुनिया में विश्व में ख्याति प्राप्त कर दे, सब जगह उन्हीं के भाषण होते, पैसे देकर के उनके भाषण सुनते थे लोग, आपके हमारे तो पैसे देकर के भी नहीं सुनेंगे, कम से कम मेरी तो नहीं सुनेंगे, लेकिन उनके भाषण पैसे देकर के लोग सुनते थे, कल्पना कीजिए। तो ऐसे विवेकानंद अपने जन्म के जीवन के अंतिम क्षणों में भी कहते थे मदर मेक मी ए मैन, तो आखिर शिक्षा क्या है, दैट शुड मेक अस मैन, मैन मैन विद ए कैपिटल एम, मैन तो सभी हम लोग मनुष्य पुरुष से पुरुष तो सभी है, लेकिन मैन विद ए कैपिटल एम, ऐसे कुछ गुणों के साथ हम मनुष्य बने, शायद ये शिक्षा का एक ऐसा उद्देश्य है कि जिसके लिए हमको प्रयत्नशील होना चाहिए, और उस प्रयत्नशील होने से संक्षेप में मैं ये कहूंगा क्योंकि घड़ी सामने कह रहे कि कोशारे खत्म करो, कि हम सब लोग एक प्रकार से जिस परिपूर्ण मानव को बनाना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है पूर्ण मद पूर्ण मेदन पूर्णाद पूर्ण मदते, वो पूर्ण कब बनेगा, जो मंत्र हम बोलते बेचारे पंडित जी बोलते हैं सामने, यजमान जी हमारे जैसा बोलता है उधर से, चलो भाई हाँ डाल दो इसमें पूर्ण मतलब पूर्ण मेदन हो गया, डाल दो उसमें अग्नि भी डाल दो स्वाहा कर दो, तो ये जो पूर्ण मत पूर्ण मितम है, ये अर्थात हमारे अंदर किस प्रकार से शरीर मन बुद्धि और आत्मा का विकास हो, ये सतत प्रक्रिया है, इट्स नॉट सिंपली फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स, ये कोई केवल एक कोई उसके लिए नहीं है, ये एक प्रकार के सतत है कि जिस प्रकार से हम अपने शरीर मन बुद्धि और एक प्रकार का जो आत्मा है उसको प्रकार को कैसे प्राप्त करके कैसे हम एक संपूर्ण मानव बन सकते हैं, इसको इंटीग्रेटेड ह्यूमन कहते थे जैन जी, कैसे हम इंटीग्रेटेड ह्यूमन बन सकते हैं, ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, वो एक ऐसा लक्ष्य होगा, तो मैं सोचता हूं कि हम सब उसे प्राप्त कर सकते हैं और करेंगे। पर मैंने राष्ट्रपति जी के सामने सबको एक सुझाव दिया था, मैंने उनसे निवेदन किया था कि घी तो निकल, मक्खन तो निकल गया, घी निकालना है, अर्थात अब हम जो लोग हैं अपने माइक्रो लेवल तक चले गए, अब हम माइक्रो से उठ करके थोड़ा मैक्रो लेवल पर, कुछ आप जैसे विद्वान लोग, आप जैसे अनेकों विद्वान लोग हैं वो बैठे हैं और बैठ करके विचार करके और हमारे सरकार को ये सुझाव दें कि भाई ये इस प्रकार से कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन की बात है, क्योंकि नहीं तो तत्व तो बहुत अच्छा आ गया और विचार में धरती में परिणत नहीं हो रहा है तो क्या फायदा। हमारे प्रधानमंत्री जी कोई इतने साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पंचवर्षीय योजना है, वैसे तो पंचवर्षीय कृषि उन्होंने पहली बार अलग कर दी है, यहाँ उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसको हम 15 साल का समय देते हैं, यानी कितना सोच समझ के कि ये वो जैसे कहना रोम और नॉर्थ बिल्डिंग ने दे तो ये कोई एक दिन में बनना है क्या, अगर ऐसा बनाना है तो सिर्फ बनाना है तो इट विल टेक टाइम, अगर समय लेगा तो आप जैसे जितने विद्वान लोग हैं हम लोगों को तो यहाँ आज भी यहाँ बुला दो कल वहां बुला दो कर, हम लोग नहीं तो समझ नहीं सकते, लेकिन जो समर्पित शिक्षा को है, जो समर्पित विद्या को, जो समर्पित जो हमारे स्कॉलर्स लोग हैं, मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग इस देश के अंदर और एक प्रकार से इसको एक मिशन लेकर के चलेंगे, और एक की भाई हमें नहीं ये हमने तय किया इतना अच्छा, पहली बार इतनी बढ़िया ऐसी सर्वांग परिपूर्ण इस प्रकार की नीति बनी है, तो इस नीति में हम सब इस देश के पुत्र पुत्र के नाते कैसे हम इसमें 4 चांद लगाए, कैसे हम इसको सफल बनाए, कैसे यह देश जो हमारे सपनों का देश है जिसको कभी सोने की चिड़िया कहते थे वो देश कैसे बने, उस दिशा में अगर हम सब लोग प्रयत्न करेंगे तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से वह देर इज ए विल कुलकर्णी जी देर इज ए वे, इसलिए अगर हम सब लोग इतने सुंदर आयोजन के माध्यम से इस प्रकार का काम करेंगे हम सब सफल होंगे। आपने मुझे बुलाया और विशेष करके आदरणीय विनय जी को और आदरणीय देशपांडे जी को सुनने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कोश्यारी जी। और ये संजोग की बात है कि आज 11 सितंबर है, 1893 में शिकागो में उस सम्मेलन में स्वामी जी ने जो पूरे विश्व को भारत दर्शन कराया, आज हम 11 सितंबर को उस सारे विषयों को फिर से एक बार लोगों के सामने ला रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे संस्था के निदेशक प्राध्यापक मनोज कुमार तिवारी जी से विनती करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद सुखानी जी। मैं मुख्य अतिथि परम आदरणीय सर्वश्री भगत सिंह कोश्यारी जी, राज्यपाल महाराष्ट्र एंड गोवा, हमारे मुख्य वक्ता परम आदरणीय डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, सांसद राज्यसभा और अध्यक्ष संसदीय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, विशेष वक्ता समाज सेवी और उद्भट विद्वान प्रोफेसर अनिरुद्ध देश पांडे जी, भूतपूर्व प्रधानाचार्य बीएम वाणिज्य कॉलेज पुणे, और हमारे संस्था मंडल के शासक मंडल के अध्यक्ष और भूतपूर्व निदेशक भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर के श्रीमान संजय धांडे जी, इस संगोष्ठी के सफल संचालक एवं संस्था के शासक मंडल के सदस्य सर्वश्री अतुल कुलकर्णी जी, आप सभी महानुभावों को अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिक संस्थान मुंबई अत्यंत आभार प्रकट करता है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य एवं गौरव की बात है कि हमारे संस्थान के अंकी एवं आभासी मंच से शिक्षा में भारतीय मूल्यों का योगदान और केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति के संदर्भ में कई आयामों को उल्लेखित किया। आपके इन विचारों से निकटतम एवं दूरस्थ श्रोता छात्र, गुरु छात्र, शिक्षक गण एवं कर्मचारी अत्यंत लाभान्वित हुए हैं। हमें अपार हर्ष होता है कि यदि आप शारीरिक और भौतिक रूप से उपस्थित होते, लेकिन कोरोना महामारी के कारण हम आपको आभासी माध्यम से ही आपके विचार सुन पाए हैं। पूरे संस्थान की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं और अन्य मुख्य वक्ता को सादर नमन करते हैं। आशा है कि आपका आशीर्वाद राष्ट्रीय औद्योगिक अभियांत्रिकी संस्थान को मिलता रहेगा। धन्यवाद। आप सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।